Good morning, students. We are going to read and study the chapter titled as House I Built. The chapter or the story is written by R.K. Narayan. So, students, we will begin with the chapter by reading the passage 1. Which reads as follows. Please vacate the house next month. This was a bombshell. It was as if someone had asked you to vacate your own body and go elsewhere. It seemed impossible, inconceivable that you should go and live anywhere else. In this story, the narrator was living on a rent, and the landlord, the house owner, comes and asks the narrator to vacate the house by next month. जो लेखक है कहानी के वो एक किराए के घर पर रह रहे थे और किराएदार जो मालिक था मकान का वो आके कहता है कि जो व्यक्ति या जो घर किराए पे है उसको छोड़कर उन्हें अगले महीने तक छोड़ना होगा और खाली करना होगा। तो नरेटर कहते हैं कि ये जो लेखक है वो कहते हैं कि ये एक तरह का गाज था उन पर, जैसे कि अगर किसी ने आपसे कह दिया है कि आप अपने शरीर को छोड़कर कहीं और चले जाए, उन्हें ये ऐसा प्रतीत हुआ जब घर छोड़ने के लिए बोला गया। It seemed impossible, inconceivable. लेखक कहते हैं कि ये उनके लिए नामुमकिन था और समझ से बाहर था कि वो कहीं और जाके रहें। This house was more or less built to your needs. That side room for guests, the top room for the brother from Bombay whenever he came, and the front hall and the veranda. The view of the margosa tree from the veranda, you grew upon the tree, and then those little creepers beside the front window. इन पंक्तियों में लेखक एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं उन व्यक्तियों से जो किराए के घर पे रहते हैं। वो कहते हैं ये घर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो आपकी ही जरूरतों के लिए बना हो, जैसे किनारे वाला कमरा मेहमानों के लिए, ऊपर वाला कमरा भाई के लिए जो मुंबई से या बंबई से कभी भी आता होगा, और जो सामने वाला हॉल है और वरांडा जो है, जो खाली स्थान है जहां से मरगोसा का पेड़ मतलब नीम का वृक्ष जो दिखता है वरांडे से, जिस वृक्ष पे आप स्वयं छोटे से बड़े हुए, और वो जो छोटे छोटे बेल के पेड़ हैं जो दीवालों पर चढ़ते हैं खिड़की के सामने। दिस हाउस वॉज पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर सेल्फ। लेखक ये कहते हैं कि ये घर आपकी जिंदगी का आपका एक अंग बन चुका है। यू न्यू इट इंटीमेटली, एवरी इंच यू न्यू, विच स्पॉट अंडर द रूफ वुड लीक इन माइल्ड रेन एंड विच ड्यूरिंग डाउनपोर। लेखक आगे कहते हैं कि आप घनिष्ठता से जानते हैं उसकी एक हर एक इंच को, घर के हर एक भाग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको ये तक पता है कि छत का कौन सा हिस्सा हल्का चुएगा या पानी उससे उसका रसाव होगा, या फिर कहाँ से पानी तेजी से आ सकता है। यू न्यू वेयर द आफ्टरनून सन वुड अटैक यू। आपको ये भी पता है कि कब दोपहर में सूरज की किरणें तेज आपके घर प्रवेश करेंगी। एंड यू न्यू द प्लेस इन द पैसेज विच कुड बी क्रिएटेड ट्रीटेड एज अ ऊटी इन समर। और आपको ऐसा गलियारा भी पता है जो ऊटी
जो एक शहर है जो ठंडा रहता है उसकी तुलना उसका उसको यहाँ पे उन्होंने चर्चा की है कि एक गलियारा, वो गलियारा भी आपको पता है जो कि गर्मी में ठंडा रहेगा। यू न्यू वेयर द फुल मून वुड स्टील इन, लेखक कहते हैं कि आपको घर का वो हिस्सा भी पता है जब पूर्ण चंद्रमा जब होगा तो उसकी रोशनी कहाँ से अंदर आएगी, एंड ऑल्सो विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज वल्नरेबल टू द बर्गलर्स एंट्री, और आपको ये भी पता है कि कौन सा हिस्सा चोरों के आने के लिए असुरक्षित है, कहाँ से चोर अंदर आ सकते हैं। यू न्यू ऑल दिस एंड ऑल्सो लव द टॉल गॉकी सिट्रस प्लांट विच पुट फोर्थ सिंगल हार्ड स्किन फ्रूट आफ्टर नियरली 10 years ऑफ ट्रेंडिंग। लेखक कहते हैं आप सबको ये सब पता है, और आप एक पेड़ जो बेढंगा सा पेड़ है, खट्टा जैसे नींबू का पेड़ या सिट्रस यानी कि खट्टापन वाला पेड़ जैसे नींबू का पेड़ या संतरे का पेड़, जिसकी फल की जो छिलका होता है वो बहुत मजबूत होता है और ये पेड़ 10 साल की सेवा के बाद फल देना शुरू किया है। You watered the citrus all your spare hours and never let any child go near it. लेखक कहते हैं कि आपने इस पेड़ को, इस बेढंगे पेड़ को, फल खट्टे फल वाले पेड़ को अपने खाली समय में पानी दिया है और आप किसी भी बच्चे को उसके पास तक जाने नहीं देते थे। You feel desolate at the thought of going away from all it all. No, impossible. I can't leave this house. लेखक संबंध बनाते हुए किरायेदार की भावनाओं से आगे बोलते हैं कि ये सब देखकर जब मकान आपको खाली करने को बोला गया तो आप दुखी होते हैं इस सोच से, इस विचार से कि आपको ये सब छोड़ के जाना होगा। मन में विचार आता है कि ये नामुमकिन है, हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। But suddenly you realize that your house owner, who had used to be such a sweet and amiable man, had assumed the features of a demon. लेकिन आपको अचानक से ये पता चलता है, ये समझ में आता है, इसकी अनुभूति होती है कि जो आपका मकान मालिक है, जो हमेशा से बहुत ही सीधे और मीठी भाषा बोलते रहे थे, जो एक प्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने दानव के या पिशाच के मुख आकृति धारण कर रखी। यू सी अ हार्ड रेजोल्यूटनेस इन हिज आईज, यू आस्क व्हाई डू यू वांट अस टू विकेट। आप जो आपका मकान मालिक है उसकी आंखों में एक दृढ़ता देखते हैं और आप उससे पूछते हैं कि आप क्यों चाहते हैं हमें ये मकान खाली करने के लिए। सो द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पैसेज आर, फर्स्ट इज विकेट। विकेट का अर्थ होता है खाली करना या फिर छोड़ना। सेकेंड इज बॉम्बशेल, जिसका अर्थ होता है अकस्मात या फिर गाज। नेक्स्ट इज इनकंसीवेबल, जिसका अर्थ होता है अचिंतनीय या फिर समझ से बाहर। नेक्स्ट इज मरगोसा, मरगोसा का अर्थ नीम होता है। वरांडा, वरांडा का अर्थ घर में खुला स्थान। क्रीपर्स, क्रीपर्स यानी बेल जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं। पार्ट एंड पार्सल, जो आपका अंग बन चुका हो। इंटीमेटेडली, अर्थात घनिष्ठता से। पैसेज अर्थात गलियारा। वनरेबल अर्थात असुरक्षित। बर्गलर्स अर्थात चोर। गौकी
अर्थात फूहड़ या बेढंगा, सिट्रस खट्टे फल वाला पौधा या खट्टा, डिसोलेट अर्थात दुखी या एकाकी या उदास, सडनली यानी यकायक या फिर अचानक से, रियलाइज समझ में आना, हाउस ओनर मकान मालिक, एमेबल मतलब अर्थात प्रिय, अज्यूम मतलब स्वीकार करना या सोचना, फीचर्स मुख आकृति, डेमन पिशाच या राक्षस, और रिसोल्यूटनेस का अर्थ होता है दृढ़ता। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज वन, क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज आस्क्ड टू वेकेट द हाउस, घर छोड़ने के लिए किससे कहा गया था। आंसर, नरेटर ऑफ द स्टोरी वाज आस्क्ड टू वेकेट द हाउस, कहानी के लेखक से घर खाली करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर टू, हु सेड प्लीज वेकेट द हाउस नेक्स्ट मंथ, किसने कहा कि कृपया घर अगले महीने खाली कर दें। आंसर, हाउस ओनर और लैंडलॉर्ड सेड दिस लाइन टू द नरेटर, मकान मालिक ने ये पंक्ति किरायेदार जो कि लेखक हैं उनसे कही। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय द एक्सप्रेशन दिस हाउस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योरसेल्फ, जो लेखक हैं या जो वक्ता हैं का उनका अर्थ इस भावना से क्या होता है जब वो कहते हैं कि ये घर आपका अंग एक अटूट भाग बन चुका है। आंसर, ही मेंट दैट हाउस वाज एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हिच कैनॉट बी सेपरेटेड, लेखक का मानना था कि ये घर उनके लिए बहुत ही जरूरी और उनका एक भाग बन चुका है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिससे अलग होना मुमकिन नहीं है, जिससे वो अलग नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर फोर, why was it impossible for the narrator to go and live anywhere else? जो वक्ता है, जो कहानी के लेखक है, उनके लिए ये नामुमकिन क्यों था कि वो कहीं और जाकर रहें? आंसर, he was attached with the house and that became part and parcel of his life as he thought that house was built according to his need. जो वक्ता थे उनके लिए ये नामुमकिन इसलिए था क्योंकि वो घर से हिल चुके थे, उनका एक अंग एक अभिन्न अंग बन चुका था, जिससे वो बहुत ज्यादा भावुक रूप से जुड़ चुके थे और उन्हें ये लगता था कि घर उनकी आवश्यकताओं की उनकी जरूरत के अनुसार बना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ वाज नरेटर फीलिंग ऑन थॉट टू वेकेट द हाउस, नरेटर को घर खाली करने की बात सुनकर कैसा लग रहा था। आंसर, नरेटर वाज फीलिंग desolated and depressed, he was filled with grief on the thought of leaving the house. Narrator बहुत उदास और दुखी हो गए थे जब उन बहुत दर्द में थे इस विचार से कि उन्हें घर छोड़कर जाना होगा। Students, now we will read the second passage of the chapter. We want to come and live in this house ourselves.
You have a house already. Yes, but we want to pull it down and rebuild it. Please vacate the house by the first of next month. जब व्यक्ता जो है वो अपने मकान मालिक से सवाल पूछते हैं कि आप क्यों चाहते हैं हम ये घर छोड़ दें या खाली कर दें, तो मकान मालिक उनको जवाब देता है कि हम खुद चाहते हैं, हम खुद इस घर में आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। तो व्यक्ता उनसे दोबारा सवाल करता है कि आपके पास तो घर पहले से है, जिस पर मकान मालिक कहता है कि हाँ घर है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस घर को हम दोबारा से बनाएं, उसका पुनर्निर्माण करें, इसलिए कृपया आप ये घर अगले माह की पहली तारीख तक छोड़ दें। द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ टर्न्स अप, यू डोंट वेकेट। वो कहते हैं कि अगले महीने की पहली तारीख आ जाती है लेकिन आप घर खाली नहीं करते हैं। You also have an elderly person at home for whose well-being you are entitled to show consideration. There's something wrong with her. Your doctor has advised that you should not disturb her. जिस पर वो कहते हैं कि आपके घर में एक बुजुर्ग आदमी है, वो फिर से एक किराएदार से संवाद स्थापित करते हैं और उसके साथ एक रिश्ता बनाते हुए कहते हैं किराएदार की तरफ से कि आपको पता है कि आपके घर में एक बुजुर्ग आदमी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी सेहत के लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि उनके साथ कुछ गलत है और आपके डॉक्टर ने, आपके चिकित्सक ने ये सलाह दी है कि आप उन्हें परेशान ना करें। This give you a couple of months more and then perhaps an expectant mother, even a stout-hearted house owner stands helpless before this reason. And then the tribulation of a newborn infant. वो कहते हैं इस बात के बाद कुछ महीने बाद ये जो आप बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग घर के सदस्य की बीमारी की बात कहते हैं वो आपको कुछ महीने की मोहलत दे देता है और उसके बाद आपके घर में महिला गर्भवती हो जाती है जिससे मजबूत हृदय वाला व्यक्ति या मकान मालिक भी असहाय प्रतीत होता है और उसके बाद छोटे नवजात शिशु की कुछ आपत्तियां या क्लेश होता है उसको लेकर जो परेशानियां होती हैं वो एक कारण बन जाता है कि आप मकान खाली नहीं करते। The house owner has to watch anxiously over the growth of the child for he can get the house only if baby is in fit condition to be moved out. और जो मकान मालिक है वो भी धीरज के साथ बच्चे के बड़े होने का इंतजार करता है क्योंकि वो जानता है कि बच्चा तभी बच्चे को बाहर ले जाया जा सकता है जब वो उस स्थिति में होगा। And then possibly you can add a month or more because of the star and the almanac. और उसके बाद लेखक कहते हैं कि किराएदार एक महीना और निकाल सकते हैं तारों और ग्रहों का बहाना करके। या जो पंचांग है उसमें शुभ समय ना होने का बहाना करके वो कुछ समय एक महीना करीबन निकाल सकते हैं। One or the other, all human reason, which no landlord, by the way, there seems to be no escape from this word, can brush aside. ये एक ऐसा कारण होता है जिसे कोई भी मकान मालिक बच नहीं सकता और ना ही इसको नकार सकता है। However, the one real reason all the time has been that
You cannot find another house because you look for the replica of this house with all its surroundings, even down to such a last detail as one fruit-yielding citrus plant. और इसके बाद भी आप एक महत्वपूर्ण एक सच्चा कारण ये बता सकते हैं हर समय जो मान्य होता है कि आप जो घर ढूंढ रहे हैं आपको उसके लिए वैसा घर नहीं मिल रहा। जैसे ये घर है इसका हूबहू या इसकी प्रतिचित्र वाला घर आपको नहीं मिल रहा कि जहाँ पे जैसी सराउंडिंग से जैसा वातावरण यहाँ पर है उस तरह का घर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ मोहलत और चाहिए। इट्स अ ट्रेल ऑफ पेशेंस बिटवीन यू एंड द लैंडलॉर्ड। लेखक कहते हैं कि जो किराए पे रहते हैं ये उनके लिए और उनके मकान मालिक के लिए संयम का इम्तिहान है, उनके धीरज का इम्तिहान है। When considerable time has elapsed, the landlord accepts defeat by agreeing on your staying on strictly for another 6 months, provided you agree to an enhancement of rent. और जब बहुत सा समय निकल चुका है तो जो मकान मालिक है वो अपनी हार मान लेता है इस बात पे कि आप 6 महीने के लिए रह सकते हैं, लेकिन आपको मकान का किराया बढ़ाना होगा, उसकी वृद्धि करनी बढ़ोतरी करनी होगी। सो द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पैसेज इज फर्स्ट इज रीबिल्ड, यानी कि दोबारा से बनवाना या पुनः निर्माण करना। एल्डरली पर्सन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति, कंसिडरेशन अर्थात ध्यान, एडवाइज मतलब सलाह दी गई, डिस्टर्ब परेशान न करना या फिर उसे छेड़ना नहीं, कपल अर्थात कुछ महीने या 2 महीने, स्टाउट हार्टेड अर्थात मजबूत हृदय का व्यक्ति, हेल्पलेस अर्थात असहाय, एक्सपेक्टेंट अर्थात गर्भवती, ट्रिब्यूलेशन जो परेशानियां क्लेश या आपत्ति होती है, इन्फेंट शिशु नया जन्मा बच्चा, एंशियसली निश्चिंत होकर या चिंतित होकर, एल्मनैक अर्थात जंत्री तिथि पत्र या फिर पंचांग, रेप्लिका अर्थात हूबहू या प्रतिचित्र, ट्रेल ऑफ पेशेंस अर्थात धीरज का इंतहाब, कंसिडरेशन कंसिडरेबल अर्थात काफी या अधिक मात्रा में, इलैप्स्ड का अर्थात गुजारना या व्यतीत करना, और एनहांसमेंट का अर्थ होता है बढ़ोतरी करना या वृद्धि करना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज 2। The first question is, why was narrator asked to vacate the house? वक्ता को घर छोड़ने के लिए क्यों कहा गया? Answer, narrator was asked to vacate the house because house owner wanted to shift there as he wanted to rebuild the house he was living in. तो वक्ता को घर छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि जो मकान मालिक थे वो स्वयं उस घर में आकर रहना चाहते थे, क्योंकि जो पुराना उनका मकान था उसका वह पुनः निर्माण कराना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सक्यूज डिड नरेटर मेक फॉर नॉट वेकेटिंग द हाउस? वक्ता ने घर ना छोड़ने के लिए क्या क्या बहाने किए? आंसर, नरेटर मेक्स द एक्सक्यूज ऑफ बैड हेल्थ ऑफ एल्डरली मेंबर ऑफ द हाउस as doctor recommended rest, then of expectant mother in house, tribulation of new infant, last because of stars and almanac, not able to find similar house. व्यक्ता ने घर छोड़ने के लिए निम्न बहाने बनाए, जैसे कि घर में बुजुर्ग सदस्य की खराब
सेहत, उसके बाद उन्होंने गर्भवती महिला का बहाना बनाया, उसके बाद नवजात शिशु के जन्म के बाद होने वाली परेशानियों का, फिर उन्होंने तिथि पत्र या पंचांग जमत्री में शुभ समय ना होने पर, और अंतिम उनका था कि उन्हें वैसा ही घर नहीं मिल रहा, इसलिए उन्हें घर छोड़ने के लिए कुछ समय और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट कंडीशन डिड लैंडलॉर्ड एग्रीड ऑन स्टेइंग ऑफ नरेटर फॉर द पीरियड ऑफ अनदर 6 मंथ्स? किस स्थिति में मकान मालिक ये मानने को तैयार हुए कि वेक्ता अगले 6 माह के लिए घर में रह सकते हैं? आंसर, द वन कंडीशन दैट नरेटर विल एग्री टू एन एनहांसमेंट ऑफ रेंट द लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट ऑन एग्रीइंग टू द नरेटर स्टेइंग एट दिस हाउस। वो एक स्थिति थी या एक विकल्प था वक्ता के पास, यदि वो इस बात पे राजी हो जाएं कि वो अपने किराए में बढ़ोतरी करेंगे, जो किराया वो मकान मालिक को देते हैं उसमें अगर वो बढ़ोतरी करेंगे तो मकान मालिक उन्हें 6 माह का और समय देने के लिए, घर में रहने के लिए तैयार था। Now we will read the third passage. 6 months passed too swiftly and you are back where you were. लेखक कहते हैं कि 6 महीना तत्काल गुजर गए और आप वहीं पर खड़े थे जहां पर आप थे। During this phase, all the suavity of the manners are gone. Desperation has given an edge to your landlord's tone. और वो कहते हैं कि इस दरमियान जो भी भद्रता थी, जो भी नम्रता थी स्वभाव में, सत्कार में, वो सब जा चुकी थी, और जो निराशा और मायूसी थी मकान मालिक की, वो उनकी नम्रता पर हावी हो चुकी थी, वो उनकी वाणी पर हावी हो चुकी थी। He is no longer prepared to show an interest in your family welfare. और अब वो जरा भी नहीं तैयार हैं कि वो आपकी परिवार की खुशहाली या उनके शुभ समृद्धि के लिए कोई भी दिलचस्पी दिखाएं। His tone become more and more aggressive each day. उनकी जो वाणी थी वो और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी दिन पर दिन। You go on repeating that surely he doesn't expect you to move out to a chantram with all the children and baggage and that you are only too eager to move on provided another house becomes available. आप ये बार बार दोहराने के दोहराते हैं उनके सामने कि वो ये नहीं चाहते कि वो खुद को लेकर किसी अनाथालय में जाएं अपने बच्चों और सामान को लेकर, और आप भी उतने ही उत्साहित हैं, उतने ही प्रयत्नशील हैं घर छोड़ने के लिए और दूसरा घर पाने के लिए अगर आपको दूसरा घर तत्काल मिल जाए। You wouldn't care to stay on a moment longer than necessary. और आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उस समय से ज्यादा यहाँ पर नहीं रहना चाहेंगे जितना जरूरी नहीं है। This reasonable attitude does not impress him. लेकिन ये भी जो तथ्यपूर्वक कारण आप उनको बताते हैं वो भी उनको प्रभावित नहीं करता। He is definitely unpleasant. You are losing nerve. Every day you dread his footsteps on the veranda and you come to the stage of looking sullen and treating him as an enemy.
यकीनन जो मकान मालिक हैं वो प्रभावित नहीं हैं आपकी बातों से, वो नाराज हैं, और आप ये देखकर आप अपना धीरज खो रहे हैं। जब भी आप उन्हें आता हुआ अपने घर के वरांडे में देखते हैं, उनकी आहट आप पहचानते हैं। ये देखते ही आप उदास हो जाते हैं और उन्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं। द होल थिंग, द होल डिमोरलाइजेशन एंड बार्बरिटी इज ड्यू टू द बॉन्ड ऑफ हाउस ऑफ वंस ओन। ये हर चीज और ये हर निराकात्मकता, नकारात्मकता और दुख और क्रूरता सिर्फ इसलिए है कि हर व्यक्ति अपना घर चाहता है। A house like clothes or food is a primary and basic need for every human being. घर भी वस्त्र और खाने जैसा प्राथमिक और जरूरी सुविधा जरूरी है लोगों, हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए। You wouldn't wear rented clothes all your life, would you? लेखक कहते हैं कि आप पूरी जिंदगी उधार के कपड़े या किराए के कपड़े नहीं पहनेंगे क्या आप? 100 reasons occur to your to you now as to why you should have a house of your own. वो कहते हैं कि आपके पास हजारों कारण आ जाते हैं ये मानने के लिए कि आपको खुद का घर क्यों चाहिए। It doesn't seem to matter where you get the land for it and how you build. और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कहाँ जमीन मिले और आप उसे कैसे बनाएं। You can add or subtract as much as you like from your favorite corners and will always remain yours. You can grow a wonderful garden. लेखक कहते हैं कि आप अपने स्वयं के घर में जितना मन आए उतना जोड़ और घटा सकते हैं। आप उसमें अपने पसंदीदा किनारे चुन सकते हैं, जिस हिसाब से बनवाना चाहें उस हिसाब से बनवा सकते हैं और वो हमेशा आपका होगा। आप यू कैन ग्रो वंडरफुल गार्डन, आप उसमें बेहतरीन वाटिका भी बना सकते हैं। यू कैन डू वॉट यू लाइक विद द प्लेस एंड अबव ऑल यू वोंट हैव टू पे रेंट एवरी मंथ। लेखक आगे कहते हैं कि आपको जो करना है आप वहाँ कर सकते हैं उस जगह पर, और सबसे पहले आपको वहाँ पर रहने के लिए प्रति माह कोई भी भत्ता या किराया नहीं देना होगा। You are so intoxicated that you feel like turning your nose at the landlord next time he comes. और वो कहते हैं कि आप इतने नशे में हैं कि आपको लगता है कि आपको अपना भाव बदल लेना चाहिए जब भी आपका मकान मालिक अगली बार आएगा। He is waiting to ask the stock question. When are you going to vacate? और वो इंतजार कर रहा है वही अपना घिसा पिटा पुराना सवाल पूछने के लिए कि आप घर कब छोड़ेंगे। When you look bored, आप इस सवाल से परेशान हो चुके। The thought of building a house has given you a new confidence and assurance of manner, and the house owner looks somewhat tamed by it. और जब ये आपका विचार आपके मन में आया कि आपके पास खुद का घर होना चाहिए, उसने आपको एक नया आत्मविश्वास और ढाढ़स दिया है भावनाओं को काबू रखने के लिए, अपने स्वभाव को संस्कार को दिखाने के लिए, और मकान मालिक भी अब कुछ हद तक अधीर हो चुका है। यू आंसर कैजुअली, डोंट वरी आई एम एज
anxious to vacate as you, if not more. और आप उसको सीधे से जवाब देते हैं कि आप भी उतने ही उत्साहित हैं, उतने ही चिंतित हैं, उतने ही उत्सुक हैं घर छोड़ने के लिए जितने कि वो, और आप भी अपने घर में जाने वाले हैं। The difficult word in this passage first is swiftly, अर्थात तत्काल, पूर्वक या तुरंत। Second is desperation, अर्थात मायूसी या निराशा। Suavity, अर्थात भद्रता या मधुरता या नम्रता। Prepared, अर्थात तैयार किया हुआ। Welfare, शुभ या समृद्धि। Aggressive, अर्थात आक्रामक। Babbage, अर्थात सामग्री या सामान। Chantrap, जहां धर्मस्थल या फिर किसी प्रकार का आश्रम। रीजनेबली, तथ्यपूर्वक। इम्प्रेस, प्रभावित करना। डेफिनेटली, निश्चित रूप से। अनप्लीजेंट, मतलब उदास या प्रभावित ना होना। लूजिंग नर्व, यानी कि क्रोध आना, अपने आप पे काबू खोना। ड्रेड, अर्थात आतंक। स्विलिन, अर्थात उदास। एनिमी, अर्थात दुश्मन। डिमोरलाइजेशन, अर्थात निरुत्साह करना। बाबरिटी, अर्थात क्रूरता। प्राइमरी, प्राथमिक। इंटॉक्सिकेटेड, नशे में होना। फेवरेट, पसंदीदा। वेटिंग, इंतजार में। स्टॉक क्वेश्चन, पसंदीदा सवाल। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अश्योरेंस, ढाढ़स। कैजुअली, साधारण रूप से या सीधे रूप से। एंशियस, उत्सुक या चिंतित। टेम्ड, का अधीन या परेशान। Questions based on passage 3. Question number 1. Why was narrator losing nerves? Narrator ko krodh kyun aa raha tha? Answer. Narrator lost his nerves on landlord coming again and again to the house for asking narrator to vacate his house. नरेटर को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि मकान मालिक बार बार उसके घर आकर उसे मकान खाली करने के लिए बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, विच थॉट गेव कॉन्फिडेंस टू नरेटर? किस विचार ने वक्ता को आत्मविश्वास दिया या विश्वास की अनुभूति कराई? आंसर, The thought of building his own house has given narrator new confidence and assurance of manner. अपना स्वयं का घर बनाने के विचार ने नरेटर या व्यक्ता को नया आत्मविश्वास और ढाढ़स दिया उनके स्वभाव के लिए। Question number 3. What was the reason that narrator wanted to build his own house? क्या कारण थे जिसके लिए व्यक्ता खुद का घर बनाना चाहते थे? Answer. There were many reasons for which narrator wanted the house of his own. वहाँ पे बहुत से कारण थे जिसके कारण व्यक्ता खुद का घर बनाना चाहते थे। Example, उदाहरण। He will not require to pay rent every month. उन्हें हर महीने किराया नहीं देना होगा या भत्ता नहीं देना होगा। House will belong to him and will not require to vacate it time and again. घर उनका खुद का होगा तो उसे उन्हें बार बार खाली नहीं करना होगा। और house can be built as per the requirement of the family.
और घर को वो अपने पसंद के अनुसार, अपने परिवार की जरूरत के अनुसार बनवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज विकेट, इट्स मीनिंग इज टू लीव अ बिल्डिंग, अर्थात दूसरों के लिए अपना स्थान या पद छोड़ना। सेकेंड इज इनकंसीवेबल, इट्स मीनिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, अर्थात जिस पर विश्वास करना या जिसके विषय में सोचना असंभव या बहुत कठिन हो। नेक्स्ट इज क्रीपर्स, मीनिंग इज अ प्लांट दैट ग्रोज अप ट्रीज ऑन वॉल्स और अलोंग द ग्राउंड, अर्थात दीवारों के सहारे चढ़ने वाला या जमीन पर फैलने वाला पौधा। नेक्स्ट इज इंटीमेटली, इट्स मीनिंग इज डिटेल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, अर्थात घनिष्ठता पूर्वक या विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड इज वनरेबल, इट्स मीनिंग इज वीक और इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, अर्थात जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोलेट, इट्स मीनिंग इज फीलिंग और शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस और लोनलीनेस, अर्थात उदास होना। नेक्स्ट वर्ड इज एमेबल, इट्स मीनिंग इज हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर, अर्थात सुशील। नेक्स्ट वर्ड इज रिसोल्यूटनेस, इट्स मीनिंग इज फर्म और अनवेवरिंग एडेरेंस टू वंस पर्पस, अर्थात दृढ़ता। नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेशन, इट्स मीनिंग इज केयरफुल थॉट टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात विचार। नेक्स्ट इज ट्रिबुलेशन, अ कॉज ऑफ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, अर्थात क्लेश या आपत्ति। नेक्स्ट इज एंशियसली, इट्स मीनिंग इज इन अ मैनर रिजल्टिंग फ्रॉम और रिवीलिंग एंजाइटी, अर्थात उद्वेग से। नेक्स्ट वर्ड इज एनहांसमेंट्स, इट्स मीनिंग इज एन इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी वैल्यू और एक्सटेंट, अर्थात वृद्धि। नेक्स्ट इज इलैप्स्ड, इट्स मीनिंग इज ऑफ टाइम पास और गो बाय, अर्थात गुजरना। नेक्स्ट वर्ड इज सुलेन, इट्स मीनिंग इज अ सल्की और डिप्रेस्ड मूड, अर्थात उदास। नेक्स्ट वर्ड इज डिमोरलाइजेशन, इट्स मीनिंग इज टू डिप्राइव अ पर्सन और पर्सन्स ऑफ स्पिरिट करेज एंड डिसिप्लिन, अर्थात नैतिक पतन। नेक्स्ट वर्ड इज इंटॉक्सिकेटेड, इट्स मीनिंग इज टू लूज कंट्रोल ऑफ देयर फैकल्टीज और बिहेवियर, अर्थात नशे में चूर। स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू द क्लास वर्क पार्ट ऑफ द चैप्टर। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द एंटायर चैप्टर, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन द कॉपीज। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डिड नरेटर कंपेयर हाउस टू, जो वक्ता थे उन्होंने घर की तुलना किससे की। आंसर, नरेटर कंपेयर हाउस टू वंस बॉडी, लाइक वन कैनॉट वेकेट ओवर बॉडी सो इट्स डिफिकल्ट टू वेकेट द हाउस वी लिव इन। वक्ता ने घर की तुलना आदमी के शरीर से की, जैसे वो अपना शरीर नहीं छोड़ सकता वैसे उसके लिए घर छोड़कर जाना उतना ही मुश्किल होता है। क्वेश्चन टू, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर नरेटर टू गो एंड लिव एनीवेयर एल्स, वक्ता के लिए ये क्यों नामुमकिन था कि वो कहीं और जाकर रहें। आंसर, ही वॉज अटैच विद द हाउस एंड बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ
as he thought that house was built according to his need. उनके लिए नामुमकिन इसलिए था क्योंकि वो उस घर से पूरी तरह जुड़ चुके थे, उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था और उनका मानना था कि घर उनकी जरूरत के अनुसार बना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टाइम डिड लैंडलॉर्ड गिव टू द नरेटर टू वेकेट द हाउस? मकान मालिक ने वक्ता को कितना समय दिया घर खाली करने के लिए? आंसर, लैंडलॉर्ड गिव द टाइम ऑफ अ मंथ टू नरेटर टू वेकेट द हाउस। मकान मालिक ने वक्ता को घर खाली करने के लिए एक महीने की मोहलत दी। Questions based on passage 3. Question number 1. Why was narrator losing nerves? Narrator को क्रोध क्यों आ रहा था? Answer. Narrator lost his nerves on landlord coming again and again to the house for asking narrator to vacate his house. Narrator को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि मकान मालिक बार बार उसके घर आकर उसे मकान खाली करने के लिए बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, विच थॉट गेव कॉन्फिडेंस टू नरेटर? किस विचार ने वक्ता को आत्मविश्वास दिया या विश्वास की अनुभूति कराई? आंसर, द थॉट ऑफ बिल्डिंग हिज ओन हाउस हैज गिवन नरेटर न्यू कॉन्फिडेंस एंड अश्योरेंस ऑफ मैनर। अपना स्वयं का घर बनाने के विचार ने नरेटर या वक्ता को नया आत्मविश्वास और ढाढ़स दिया उनके स्वभाव के लिए। Now it's time for the homework. You will be given the homework and you will have to do in your copies and submit. So part A of the homework is answer the following question. First is, why does landlord want to shift in his rented house? मकान मालिक जो थे वो जो किराए पे उन्होंने मकान दे रखा था उसमें क्यों वापस से रहना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजन दैट नरेटर वांटेड टू बिल्ड हिज ओन हाउस? क्या कारण थे जिससे लेखक या वक्ता अपना स्वयं का घर बनाना चाहते थे? बी, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने। फर्स्ट वर्ड इज विकेट, अर्थात खाली करना या छोड़ना। सेकेंड वर्ड इज डिसोलेट, अर्थात दुखी या फिर
उदास। So students, that is all in this chapter titled as House I Built by R.K. Narayan. In this chapter we have studied that how the author or the writer tries to relate to a person who lives on a rent and what are the difficulties he faces. Students, I hope you have liked reading and studying this chapter. Thank you, students.